सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा कि स्टीवन को एहसास हो गया था कि उसके अंदर मार्क स्पेक्टर नाम की एक और शख्सियत मौजूद है जिसने आर्थर से स्क्रैप चुरा लिया था। इसलिए आर्थर ने उसे मारने के लिए इजिप्शियन जेकल को म्यूजियम में भेजा, लेकिन मून नाइट ने उसे खत्म कर दिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन की जब आँख खुलती है तो बहुत डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि म्यूजियम में जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था, इसीलिए वो रिफ्लेक्शन में मार्क को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसके सामने नहीं आता। फिर तैयार होकर म्यूजियम जाता है, जहाँ वो देखता है कि मार्क ने रात को जो तोड़फोड़ की थी उसकी सफाई का काम चल रहा है। जे भी रात की सीसीटीवी फुटेज देखने जाता है तो स्टीवन उसे बताता है कि तुम जो कुछ भी देखने वाले हो वो बहुत भयानक होने वाला है, इसीलिए तुम उसे देखकर डर मत जाना, बस ये सोचना कि ये कोई हॉरर फिल्म है। फिर जे भी जब रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें कोई जेकल नहीं होता, सिर्फ उसमें स्टीवन नजर आ रहा था, जिससे उसे लगता है कि स्टीवन ने सारी तोड़फोड़ की है। स्टीवन उसे बताता है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा इजिप्शियन जेकल पड़ा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और सभी को लगता है कि स्टीवन पागल हो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से स्टीवन का बर्ताव बदल गया था, जिससे उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। स्टीवन काफी उदास होता है और वो स्ट्रीट परफॉर्मर के पास बैठा उसे सब कुछ बताता है कि मुझे मेरे फ्लैट में कुछ अजीब चीजें मिली है। इससे स्टीवन को आइडिया आता है कि उसे जो चाबी मिली थी वो उससे लॉकर को ढूंढ सकता है, इसीलिए उस चाबी पर बने लोगों की लॉकर कंपनी में पहुंचता है, जहाँ स्टीवन गार्ड से कहता है कि मैं मेरा स्टोरेज लॉकर ढूंढ रहा हूँ जो कि स्टीवन ग्रांट या फिर मार्क के नाम पर होगा। तो गार्ड उसे पहचान लेता है क्योंकि मार्क हमेशा वहाँ आया करता था। गार्ड स्टीवन को उसके लॉकर के पास लेकर जाता है। स्टीवन जब अंदर जाता है तो उसे एक बैग मिलता है जिसमे गन, कुछ पैसे और मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट होता है, क्योंकि मार्क एक सीरियल किलर था। बैग में स्कैरब भी होता है जिसे वो एक्टिवेट कर देता है, जो इजिप्शियन देवी एमिट के ठिकाने की तरफ मुंह करने लगता है। तभी उसे रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो स्टीवन उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम अपना जिस्म मुझे सौंप दो क्योंकि मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा क्योंकि तुम लोगों को मारते हो, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो मार्क उसे बताता है कि मैं चांद के इजिप्शियन देवता खोंशु का अवतार हूँ और एक तरीके से तुम भी खोंशु के अवतार हो, और हम मिलकर मासूमों को बचाते हैं, जुर्म करने वालों पर खोंशु का कहर बरसाते हैं। स्टीवन इससे काफी डर जाता है। तो मार्क उसे बताता है कि मैंने खोंशु से एक सौदा किया था कि तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे, इसीलिए तुम मुझे अपना जिस्म सौंप दो ताकि मैं अपना काम खत्म कर सकूं, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। तो स्टीवन कहता है कि मैं इस बैग को पुलिस को दे दूंगा ताकि तुम किसी और को ना मार सको। फिर वो बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है, तभी उसे खोंशु दिखाई देता है जो उसे कहता है कि इस बैग को वापस रख दो, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से डरता हुआ बाहर आ जाता है, जहाँ उसे लायला देख लेती है। स्टीवन उसकी आवाज से समझ जाता है कि वो लायला है। वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मार्क है, लेकिन स्टीवन अजीब अजीब बातें करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं मार्क नहीं हूँ, लेकिन लायला उसकी बात नहीं सुनती। वो सोचती है कि लोगों से बचने के लिए वो ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टीवन काफी हैरान होता है और उसे सब समझाने के लिए अपने घर चलने को कहता है। वो जब स्टीवन के फ्लैट में पहुंचते हैं तो वहाँ लायला देखती है कि स्टीवन के घर पर फ्रेंच और हायरोग्लिफिक किताबों का कलेक्शन मौजूद है। वो एक फ्रेंच किताब को पढ़ती है जो उन दोनों की फेवरेट होती है। फिर उसे डिवोर्स पेपर देती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे थे लेकिन इन पर साइन नहीं किया। तो स्टीवन उन पेपर पर साइन करने से मना कर देता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि मार्क उसके लिए सही नहीं है, और उसे स्क्रब दिखाने लगता है, लेकिन तभी उसे मार्क नजर आता है जो उसे कहता है कि उसे स्क्रब मत दिखाना वरना आर्थर उसके पीछे पड़ जाएगा, जिससे लायला की जान जा सकती है। ये सुनकर स्टीवन उससे स्क्रब छिपाने लगता है, लेकिन लायला उसे धक्का देकर वो स्क्रब देख लेती है और उसे कहती है कि एमिट का ठिकाना दिखाने वाला स्क्रब है जिसके लिए हम साथ मिलकर लड़े थे, और उसे लगता है कि मार्क स्टीवन बनने का नाटक कर रहा है ताकि उसे स्क्रब के बारे में पता न चले। तो स्टीवन उसे कहता है कि मुझे स्क्रब नहीं चाहिए क्योंकि मैं मार्क नहीं हूँ, मैं स्टीवन ग्रांट हूँ जो पहले गिफ्ट शॉप में काम करता था, और मेरी जान खतरे में है और शायद सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तो लायला उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है कि हम इसे क्यों ढूंढ रहे थे। तो स्टीवन उसे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। स्टीवन लायला को कहता है कि वो मुझे पकड़ने आए है क्योंकि मैंने टॉयलेट में तोड़फोड़ की थी। वो जब गेट खोलता है तो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाते हैं जो उसके घर में छान
छानबीन करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ आर्थर ने स्क्रब लेने भेजा था। लेकिन लायला स्क्रब लेकर खिड़की से बाहर चली जाती है जिससे उसे नहीं ढूंढ पाते। स्टीवन उन्हें बताता है कि मेरी म्यूजियम वालों से बात हो गई है, वो मुझ पर केस नहीं करेंगे, बस मुझे किश्तों में तोड़फोड़ के पैसे चुकाने होंगे। तो ऑफिसर उसे बताता है कि तुम पर चोरी का सामान रखने का इल्जाम है। तभी उन्हें वहाँ जिम बैग में माँ का पासवर्ड मिलता है जिससे उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो जब मार्क के बारे में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मार्क एक खूंखार मुजरिम है जो आतंकी गिरोह में था, जिसने इजिप्ट की रिसर्च साइट पर हमला करके आर्कियोलॉजिस्ट को जलादों की तरह मार दिया था। स्टीवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो में नहीं था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते और उसे आर्थर के साहिबान में लेकर जाते हैं। स्टीवन इससे काफी डर जाता है। वो बाहर एक लड़की से मदद मांगने लगता है लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ पर भी एमिट का निशान है। तभी उसे रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है जो उसे कहता है कि मुझसे भागने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को मुझे सौंप दो। तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखा कि तुमने उन मासूमों को किस तरह मारा था। तभी वहाँ आर्थर आ जाता है जो स्टीवन को बाहर निकाल कर उसकी हथकड़ी खोल देता है और ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। आर्थर स्टीवन से कहता है कि मैं तुम्हारा भाग्य नहीं देख सका क्योंकि तुम खोंशु के अवतार हो और तुम्हें मार्क और खोंशु की अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। तभी स्टीवन को खोंशु दिखाई देता है जो उसे आर्थर को मारने को कहता है, लेकिन आर्थर उसे कहता है कि तुम्हें उसकी हर एक बात मानने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर उसे बताता है कि पहले इस इलाके में बहुत से जुर्म हुआ करते थे जिससे यहाँ के लोग बहुत दुखी थे, लेकिन अब ये सब एमिट की वजह से सुरक्षित है और रात को दरवाजा खुला छोड़कर सोते हैं। फिर उसे साहिबान के अंदर लेकर जाता है। कोंशु को गुस्सा आता है क्योंकि स्टीवन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए वहाँ कुछ चीजें गिराने लगता है। तो आर्थर उसे कहता है कि डरो मत, वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी देवताओं में भी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए उसे बेदखल कर दिया गया था। तो कोंशु स्टीवन को कहता है कि मैं सिर्फ उन्हें ही सजा देता हूँ जो गुनाह कर चुके हैं, इसीलिए मैं सही इंसाफ हूँ। आर्थर स्टीवन को कहता है कि तुम्हारे पहले मैं खोंशु का अवतार था, इसीलिए मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, और खोंशु सिर्फ उन्हीं को सजा देता है जो गलत राह पर चल चुके हैं। लेकिन इससे काफी देर हो जाती है क्योंकि जब तक इंतकाम का मसीहा वहाँ पहुँचता है तो जुर्म हो चुका होता है, इसीलिए एमिट असली मसीहा है क्योंकि वो जुर्म करने वालों को पहले ही परख लेती है और उन्हें जान से मार देती है, इसीलिए हमें एमिट को आजाद करना होगा। तो स्टीवन उसे कहता है कि मगरमच्छ जैसी दिखने वाली देवी पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो आर्थर उसे कहता है कि उनकी परख पर शक मत करो क्योंकि एमिट दुनिया में सभी बुरे लोगों को मिटाकर अच्छाई कायम करेगी, जिसके लिए हमें वो स्क्रब चाहिए क्योंकि वो स्क्रब एक तरह कंपास की तरह काम करता है जो हमें एमिट के मकबरे तक ले जाएगा और मैं उन्हें आजाद कर दूंगा जिससे वो दुनिया से सभी बुरे लोगों का नाश करके दुनिया को स्वर्ग बना देगी, इसीलिए तुम मुझे स्क्रब दे दो। तो स्टीवन उसे कहता है कि मेरे पास स्क्रब नहीं है। तो आर्थर उसे कहता है कि तुम ये तो जानते होंगे कि वो किसके पास है। तभी स्टीवन को रिफ्लेक्शन में मार्क दिखाई देता है जो स्टीवन को कहता है कि लायला का नाम मत लेना और मुझे अपना जिस्म दे दो। आर्थर समझ जाता है कि स्टीवन मार्क से बात कर रहा है, इसीलिए वो मार्क को कहता है कि तुम्हें खोंशु ने क्या कहा था कि ये तुम्हारा आखिरी मिशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पहले उसका अवतार रह चुका हूँ और मुझे पता है कि वो कितना बड़ा झूठा है। तो स्टीवन आर्थर को कहता है कि अगर एमिट किसी इंसान के बुरे बनने से पहले ही उसे परख लेती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक निर्दोष इंसान को परख रही है, क्योंकि सोचने से इंसान बुरा नहीं बनता। जैसे मैं हर रोज सोचता हूँ कि मैं अपने बॉस को मार दूंगा, लेकिन मैं उसे असल में नहीं मारूंगा, और अगर एक बच्चा 30 साल की उम्र में जुर्म करने वाला है तो एमिट उसे आज ही मार देगी। और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मासूम लोगों को मारना एक जुर्म है और क्या यहाँ किसी को इस बात से एतराज नहीं है, लेकिन वो सभी आर्थर के साथ है। आर्थर उसे अपना स्टाफ दिखाता है और उसे बताता है कि ये मुझे एमिट का दिया हुआ एक तोहफा है और इसमें उनकी शक्ति का छोटा सा अंश बसा हुआ है, इसीलिए तुम मुझे स्क्रब दे दो क्योंकि मैं तुम पर उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन स्टीवन उसे नहीं बताता, जिससे आर्थर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ लायला आ जाती है और वो आर्थर को बताती है कि स्क्रब मेरे पास है। आर्थर उसे कहता है कि स्क्रब मुझे दे दो, वो बहुत अनमोल है। लेकिन लायला स्टीवन के पास जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मार्क है, इसीलिए उसे अपना सूट पहनने को कहती है और उसे स्क्रब दे देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। आर्थर इसे गुस्सा होकर एमिट के स्टाफ से एक जैकल बाहर निकाल लेता है। स्टीवन और लायला एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। लायला स्टीवन को कहती है कि तुम मार्क हो और तुम्हारे पास सूट है और मैंने तुम्हें इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो स्टीवन उसे कहता है कि
कि मुझे कुछ नहीं पता। रिफ्लेक्शन में मार्क भी उसे कहता है कि मुझे बाहर आने दो। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता, वो काफी परेशान हो जाता है। वो लायला से कहता है कि मैं उनसे नहीं लड़ सकता, तो लायला उसे कहती है कि हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तभी वहाँ जेकल आ जाता है, लेकिन लायला को दिखाई नहीं देता और वो जेकल स्टीवन पर अटैक करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तभी स्टीवन सूट सूट चिल्लाने लगता है, जिससे वो मिस्टर नाइट के सूट में आ जाता है, जो कि स्टीवन को खोंशु का दिया हुआ एक सूट था, जिसमें स्टीवन के हथियार के रूप में ट्रंचियन थे। लेकिन स्टीवन को समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। मार्क उसे कहता है कि तुमने ये क्या पहन लिया है, तो स्टीवन उसे कहता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तभी उस पर जेकल अटैक कर देता है, जो स्टीवन को मारने लगता है। लायला भी नीचे आ जाती है, लेकिन उसे जेकल दिखाई नहीं देता। जेकल स्टीवन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। ये देखकर लायला उसकी मदद करने के लिए अंदाजे से जेकल पर अटैक करती है, जिससे जेकल उस पर भी अटैक करने लगता है। स्टीवन जेकल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं जीत पा रहा था। मार्क उसे कहता है कि जिस्म मुझे सौंप दो, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और फुल जोश में जेकल को पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी जेकल उस पर अटैक करके उसे बीच रास्ते में फेंक देता है और स्टीवन को मारने लगता है। वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को जेकल दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए सभी को लगता है कि स्टीवन एक पागल है। तभी वो एक कार से टकरा जाते हैं, जिससे जेकल और स्टीवन दूर गिर जाते हैं। मार्क स्टीवन को कहता है कि अपना जिस्म मुझे सौंप दो, वरना वो जेकल लायला को मार देगा। तो स्टीवन उसकी बात मान लेता है और उसे अपना जिस्म दे देता है, जिससे मार्क मून नाइट के सूट में आ जाता है और अपने हथियार की सेंडार निकाल लेता है। लायला उसे कहती है कि जेकल को यहाँ से दूर ले जाओ, तो मार्क वहाँ से भागने लगता है, जिससे वो जेकल उसका पीछा करता है और मार्क उसे पकड़कर एक शिखर में घोंप देता है, जिससे वो जेकल नष्ट हो जाता है और वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन मार्क देखता है कि उसकी जेब में स्केरम नहीं है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। वही हमें उस स्केरम को दिखाया जाता है, जो एक भिखारी को मिल जाता है। लेकिन तभी आर्थर वहाँ जाता है, जो उस स्केरम को लेकर उस भिखारी को जान से मार देता है। लायला भी ये देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वही मार्क काफी दुखी होता है। स्टीवन उसे कहता है कि मुझे रिफ्लेक्शन में बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपना जिस्म दे दो। तो मार्क उसे कहता है कि तुमने हमेशा मुझे हावी होने से रोका है, इसीलिए मैं तुम्हें जिस्म नहीं दूंगा और तुम बिना मेरी इजाजत के जिस्म नहीं ले सकते। तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। तो मार्क उसे कहता है कि जब काम पूरा हो जाएगा, जब मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा और तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा, और आज खौशों की बदौलत ही हम जिंदा है, मगर इसके लिए मुझे उनका हर एक हुक्म मानना पड़ता है। तो स्टीवन उसे कहता है कि खून तुम करते हो और इल्जाम मुझ पर आता है, और तुम लायला को भी धोखा दे रहे हो, इसीलिए तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तो मार्क उसे कहता है कि मैं लायला को बचा रहा हूँ, क्योंकि खौशु की उस पर नजर है और उसे अपना अवतार बनाना चाहता है, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम झूठे हो, और वो मार्क की बात नहीं सुनता, जिससे मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लास को तोड़ देता है। तभी वहाँ खौशु आ जाता है, जो मार्क को कहता है कि तुमने जुबान दी थी कि स्टीवन दखल नहीं देगा। तो मार्क उसे कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा। तो खौशु से कहता है कि मैंने देखा कि तुम ऐसा नहीं कर पाए और हमारा सौदा हुआ था, और तुम सौदे को बदल नहीं सकते, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बचाया था तो तुम एक जिंदा लाश थे, इसीलिए तुम्हारा जिस्म मेरी जागीर है। तो मार्क उसे कहता है कि हम स्केरब ढूंढ लेंगे। तो खौशु से कहता है कि आर्थर स्केरब ले गया है, जिस पर मार्क कहता है कि हम उसे दूसरे तरीके से रोकेंगे और एमिट तक उसे पहले पहुंचेंगे, और मैं कुछ भी करके ये मिशन पूरा करके रहूंगा, फिर तुम मुझे आजाद कर देना। तो खौशु से कहता है कि तुम्हें काम करने में मजा आता है और हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, और अगर तुम्हें इससे ऐतराज है तो मेरा अगला अवतार तुम्हारी पत्नी होगी, और इस बात से तुम्हें ऐतराज होगा। और इजिप्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क होटल में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है, और जब वो खिड़की खोलता है तो हमें पता चलता है कि वो गीजा के पिरामिड के बाहर होता है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।